जय माँ काल। क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न हल करवाएंगे और पिछली क्लास में प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो प्रश्न दिख रहे हैं इनको हल करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। विद्यार्थियों को जोड़िए, तब तक आपकी कैलकुलेशन मजबूत करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन, नया टाइप सीखने को मिलेगा। हमने आपसे कहा था एक टाइप कैलकुलेशन का आपको देंगे हर एक क्लास में, जिससे आपकी कैलकुलेशन रैपिड फायर हो जाएगी, रैपिड फायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से अधिक संख्या का वर्ग निकालना। अब आपको सिखाते हैं। हमने कहा 100 से अधिक 101, इसका वर्ग ट्रिक से बताएंगे, 102 का वर्ग, 103 का वर्ग, 104 का वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, अब लिखते हैं हम 111 का वर्ग, 113 का वर्ग, 115 का वर्ग, 119 का वर्ग। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 101 जो है 100 से कितना अधिक है, क्योंकि हमने एक टाइप आपको सिखाया था 100 से कम संख्याओं का वर्ग कैसे निकालोगे। तो 1x1 क्लास लेते रहिए और आपकी कैलकुलेशन रैपिड फायर हो जाएगी। तो 100 से कम वाली आप सीख चुके हो, लेकिन इस क्लास में 100 से अधिक संख्या का वर्ग आप वर्बली सेट करोगे। आपको केवल इतना देखना है कि ये 101 100 से कितना अधिक है, एक अधिक है ना, तो यहां पर एक लिख देते हैं। ठीक है, अब यही एक इसमें प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। यही एक प्लस करना है 101 में, कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब आपको इसका वर्ग यहां पे लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, लेकिन दो अंक में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, दो अंक में लिखना है, इतना ध्यान रखना। अब ये तो हो गया, अब इसका बताइए 102 का वर्ग, वर्बली सेट कर सकते हो, केवल ये देखना है कि 102 100 से कितना अधिक है। आप बोलोगे सर 2 अधिक है, तो यहां पर हम कर सकते हैं प्लस का 2। अब यही प्लस का 2 102 में प्लस करना है तो 104 हो जाएगा। अब 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन 2 अंक में आपको लिखना है 04, ऐसे करके करना है। अब ये बताइए 103 का वर्ग, 103 जो है 100 से कितना अधिक है। आप बोलोगे सर 3 अधिक है, तो यहाँ पर हम प्लस का 3 लिख देते हैं। अब यही 3 103 में प्लस करना है तो 103 जो है, जैसे ही 3 को प्लस करेंगे तो 106 हो जाएगा। अब ये 3 का वर्ग आपको बताना है, 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन 2 अंक में लिखना है 09। अब बताइए इसका 104 का वर्ग बताइए, 104 का वर्ग बताइए। आप बोलोगे 100 से 104 चार अधिक है, तो यहां पर हम 4 लिख देते हैं। 104 जो है 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, यही 4 104 में प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 16, तो 2 अंक में हमको मिला है। ठीक है, एक अंक में मिलता तब हम अपने पास से 0 कर लेते, जैसे इसमें 1 का स्क्वायर वर्ग मिला, 2 अंक में लिखना था तो हमने क्या किया, अपने पास से 0 कर लिया था। वर्बली साइड कर सकते हो, यहां पे देखिए 2 का वर्ग 4 मिला था, लेकिन अपने पास से हमने 0 को
ले लिया था, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 अपने पास से लिया था, लेकिन यहाँ पे 4 का वर्ग 16 अपने आप दो अंक में लगाए। अब ये बताइए 111 का वर्ग, ये 111 जो है 100 से कितना अधिक है, रैपिड फायर 11 अधिक है, 11 अधिक, यही 11 इसमें प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर बताइए, 11 का स्क्वायर यहाँ पे हम 11 करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 121, लेकिन इसके दो अंक उठाना है मेरे प्यारे बच्चों, दो अंक लिखना है आपको, यही ट्रिक है। तो हमने 21 लिखा, इसका एक बच गया, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये ट्रिक हमने बताई थी जब 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग सिखाया था, तो 100 से अधिक में यही करना है, अगर एक ज़्यादा अंक मिल जाए वो ज़्यादा वाला आगे में प्लस होता है, तो यहाँ पर जैसे ही हम प्लस करेंगे एक, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 12 ऐसे लिखो, 21 ऐसे लिखो, मज़ा आ गया। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। यहाँ पे देखिए 103 का वर्ग बताना है, अब बताओ 113 है, 113 का वर्ग बताना है, ये 100 से कितना अधिक है, 113 जो है 100 से कितना अधिक है, आप बोलोगे सर 13 अधिक है, यही 13 इसमें प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 126। अब 13 का वर्ग बताना है, इसको रफ करेंगे, 13 का वर्ग बताना है 169, 13 का वर्ग 169 होता है, आपको 69 उठाना है, कितना उठाना है, 69, दो अंक उठाना, एक अंक छूट गया वो इसमें प्लस कर देना है, छः में प्लस करना है, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 127 फिर 69, ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखिए 115 का वर्ग, 115 जो है 100 से कितना अधिक है, आप बोलोगे सर 15 अधिक है, तो हम यहाँ पे प्लस का 15 लिख देते हैं, अब यही 15 इसमें प्लस कर दो तो 130 हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 होता है, तो हमने लिखा 25, यहाँ पे लिख दिया 225, 15 का वर्ग 225 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही 2 जीरो को प्लस करते हैं तो 2 ही मिलेगा, 130 और 2 132 हो गया इतना। अब बताइए 119 का वर्ग बताना है, 100 से कितना अधिक है, 19 अधिक है, तो यहाँ पे 19 प्लस करते हैं, 19 दूनी 38, 138 हो गया, 138 हो गया, 19 का वर्ग बताना है 361 होता है, 19 का वर्ग बताना है कितना होता है, 361, 19 का वर्ग 361 होता है। अब आपको दो अंक उठाना है, यहाँ पे 61 लिख देना है, ये 3 बचा है, यहाँ पे प्लस करना है, तो कितना मिलेगा, 8 और 3 11, एक हासिल मिला, आगे बढ़ा दो तो मेरे प्यारे बच्चों 141 और ये 61 ऐसे लिख दो, तो ऐसे करके आपको बता देना है 100 से अधिक संख्या का वर्ग, वर्बली सेट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रश्नावली 2.2 का बेसिक पढ़ाते हैं, बेसिक पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों का उड़वाएंगे गर्दा, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, ये नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे, नोट कर लिया होगा, इसको हटाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों बेसिक हेडिंग डाल लो, प्रश्नावली 2.2 का बेसिक, लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए। जैसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं, जीरो से लेके चलना है, वर्बली क्वेश्चन सेट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली 2.2 का बेसिक, सभी स्टूडेंट इतना लिख लें, यहाँ पर नंबर फर्स्ट रूल आपको बताएंगे, संबंध हेडिंग डालना है यहाँ पे, संबंध आपको पता ही है, संबंध किसको बोलते हैं बताइए मेरे प्यारे बच्चों, माँ बेटे का संबंध, माँ
बेटे का संबंध, मां बेटे का संबंध, और पिता माता का संबंध, ये सब क्या है? संबंध है। भाई और बहन का संबंध, ये क्या है? संबंध है भाई। लेकिन यहाँ पर आपको माँ बेटे और पिता माता ये नहीं सीखने को मिलेगा, ये नहीं सीखने को मिला है। ये भी संबंध है, लेकिन यहाँ पर संबंध आपको अवयवों में सीखना है। अवयवों में जानते हो ना समुच्चय में क्या होता है? अवयव होता ना, और उन्हीं से हम क्या करते हैं? युग्म बनाते हैं। जैसे 1.2, 2.3 ये क्या है? युग्म है। तो पाठ एक में अवयव आपने सीखे थे, लेकिन पाठ दो चल रहा है, यहाँ पे युग्म आपको सीखना पड़ेंगे। समझ गए? इसको हटाते हैं, माँ बेटे का, माता पिता का संबंध नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ पर चलेगा युग्म और अवयव। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यदि आर जो है एक ग्रास वी का क्या होगा? उपसमुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखते हैं उपसमुच्चय। ये जो सिंबल है उपसमुच्चय का है, इंग्लिश बोलते हैं सबसेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। ये उपसमुच्चय हम पाठ एक में पढ़ा चुके हैं। पढ़ाया था या नहीं? हाँ पढ़ाया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पाठ एक में उपसमुच्चय, तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर उपसमुच्चय की जानकारी नहीं है तो यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए पहले आपको समुच्चय की जानकारी होना चाहिए, तब यहाँ पर आप समझ पाओगे कि आर जो है एक क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो आपको क्या करना है? उपसमुच्चय पढ़ लेना है भाई। पार्ट एक कंप्लीट आपको मिल जाएगा, लिंक भी दे देंगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और लिंक पे क्लिक करना, तुरंत क्लिक करोगे तुरंत प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे, और 1x1 क्लास आपको मिल जाएगी। वर्बली क्वेश्चन सेट कर सकते हो, अगर आपने बेसिक समझा, अच्छे से बेसिक समझ लो। यदि आर जो है एक क्रॉस बी का क्या है? उपसमुच्चय है। यदि इतना हो तो आर कामा समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, ए से बी में एक संबंध है। ये संबंध की हो गई परिभाषा। अब उदाहरण से इसको क्लियर करवाते हैं। आर जो है एक क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसको क्लियर करवाते हैं उदाहरण से। तो यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। उदाहरण में हम क्या करेंगे? उदाहरण में हम क्या करेंगे? समुच्चय लेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला? समुच्चय लेंगे। तो मान लेते हैं, माना a बराबर 1.2, b = 2.3, ठीक है, और r बराबर 1.2, 1.3, 2.3, r में ये है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, r बराबर इतना हो तो r इतना लिखो, हो तो r कमा a से b में, यहाँ पे क्या लिखोगे? a से b में r कमा समुच्चय a से b में एक संबंध है या नहीं, एक संबंध है या नहीं, एक संबंध है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने है या नहीं लिखा है, क्योंकि आपको चेक करना है। इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने ये समुच्चय माने हैं, ए और बी, और संबंध भी माना है, लेकिन जब प्रश्न आएगा आपको दिया जाएगा समुच्चय ए और बी मिलेगा और आर भी मिलेगा, आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने माना है अपने पास है, लेकिन आपको प्रश्न में मिलेगा, तब आपको चेक करना है कि आर जो है ए से बी में एक संबंध है या नहीं। कैसे चेक करोगे? ये कंडीशन वेरीफाई अगर हो जाए, अगर ये कंडीशन
वेरीफाई हो जाए तो आर जो है समुच्चय ए से बी में एक संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हम माना नहीं लिखते हैं, यहाँ पे यदि लिख देते हैं, क्योंकि आपको इस तरीके से मिलेगा प्रश्न, ठीक है। तो यदि ये है तो आर समुच्चय ए से बी में संबंध है या नहीं, तो यदि का मतलब क्या है, दिया है। तो इसका हल देखिए, दिया है ए बराबर हमने लिखा है ए कमा दो, ठीक है, और बी बराबर हमने लिख दिया है बी बराबर दो कमा तीन, और यहाँ पे आर जो दिया गया है बारह तेरह, बारह तेरह और तेईस। मेरे प्यारे बच्चों ये सब आपको डेटा मिलेगा प्रश्न में, समझ गए। अब आप दिमाग लगाओ इस शर्त में कि अगर ए क्रॉस बी का मान निकालें, अगर आर उसमें मैच हो जाए, क्योंकि उपसमुच्चय में क्या होता है कि इसमें जो मिलेगा इसी का इसमें होना चाहिए। पार्ट एक में उपसमुच्चय हमने आपको पढ़ाया था, क्लियर करवाया था, तो दिक्कत नहीं आएगी। हम आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। ए क्रॉस वी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस वी, ए क्रॉस वी निकालेंगे, फिर देखेंगे आर जो है ये उसमें मैच कर रहा है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसके आगे यहां से लिखेंगे, नाउ ए क्रॉस वी, ए का मान देख लो कितना है, बारह है, ठीक है, और B का मान देख लो कितना है, तेईस है। अब आपको क्या करना है, युग्म बनाना है। तो प्रश्नावली 2.1 आपने कंप्लीट की है या नहीं, तो युग्म आपको सिखाए थे कैसे बनते हैं। फिर भी यहाँ पे देख लो, जैसे हमने एक पकड़ा, अब बाद वाले समुच्चय में जितने अभी अब हैं उनके साथ आपको ये बन लिख देना है। देखो कैसे, एक इसके साथ लिखना है, एक कामा दो होगा, इतना ध्यान रखना, जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में लिखना है, ठीक है। फिर एक का तीन के साथ करेंगे तो एक कामा तीन हो जाएगा। अब इस पे लगा दो कांटा लगा, क्योंकि इसका यूज हो गया ना। अब दो का करेंगे यूज, जैसे वन का किया था इनके साथ, ऐसे ही दो का करना है, तो यहाँ पे दो का दो के साथ एक युग्म बन जाएगा, ठीक है, दो का तीन के साथ एक युग्म बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ए क्रॉस बी हमने निकाला। अब आपको शर्त चेक करना है, ए क्रॉस बी निकला ना, अब आपको क्या चेक करना, एक शर्त चेक करना जो हमने लिखवाई थी, आर जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, ये शर्त चेक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, R लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, ये लेते हैं 1,2, ठीक है, 1,2, 1,3 और 2,3, ठीक है, ये R हो गया, ये देखो ये R हो गया। फिर इसके बाद में एक राश बी का मान देख लो क्या है, 12, 13 फिर 22, 12, 13, 22 फिर 23। अब देखो भाई ये वाले जो युग्म हैं वो इसमें हैं, क्योंकि बाद वाले में जो होते हैं वो आगे वाले के ही होते हैं। अगर एक भी युग्म नहीं है तो आर जो है समुच्चय ए से बी में संबंध नहीं होगा। तो हम मैच करते हैं, 12 इसमें है 13 देख लो है और 23 भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो युग्म हैं वो किसके हैं, इसके हैं। अगर ये वाले युग्म इसके हैं तो R जो है A से B में एक संबंध होगा, ठीक है। तो 12 है, 13 है और 23 है, समझ गए। अब आपको लिख देना है, ये R जो है A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। ये R जो है A क्रॉस B का, ये A क्रॉस B का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। नोट करते रहो और लाइक करते रहो, तो ये क्लियर हो गया कि आर में जो भी है वो किसका है, इसका है।
पूरा पूरा है। अगर एक भी युग्म नहीं होता तो लिख देते आर कामा समुच्चय ए से बी में एक संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर में जो है वो एक रास बी का ही है, आर में जो है वो एक रास बी का ही है, तो आर जो है समुच्चय ए से बी में एक संबंध होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आर कामा समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए। जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अगर जल्दबाजी करते तो अब तक ये क्वेश्चन उड़ चुका होता मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए कह रहे हैं जो भी समझाएं उसको समझते रहना है। और ये जो होता है ये फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट। उप समुच्चय होता है, क्या होता है? उप समुच्चय होता है, जो हम पार्ट एक में आपको पढ़ा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो। पहला प्रश्न जो है दूसरा ये सारे लग जाएंगे अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया। तो पहला रूल कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम सेकंड रूल की बात करेंगे। इसको हम रफ करते हैं, सेकंड रूल डाल लीजिए। माय डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट डाल लीजिए। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, गणित आ जाएगी समझ में। एक बार गणित अगर आ गए ना, फिर निकालोगे दिमाग से तो निकलेगी नहीं, ठीक है? इसीलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड पार्ट डालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि यम और यन ज्ञात हो, अगर यम और यन ज्ञात है तब आप बता सकते हो समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या। फार्मूला होता है 2 की पावर mn। ये फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है? अब उदाहरण से बताते हैं। ये फार्मूला जो है आपको याद कर लेना है, रट्टा लगा देना है इस फार्मूले का। क्या लगा देना? रट्टा लगा देना है, क्योंकि फार्मूले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फार्मूले याद किए ही जाते हैं, रट्टा लगाया जाता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि a बराबर 1,2 है, b बराबर 3,1 है, इतना हो तो समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाएगा। यहाँ पर हमने ए और बी अपने पास से लिखा है, लेकिन प्रश्न में समुच्चय आपको मिलेंगे दो। तो पहले वाले से आपको m निकाल लेना है और दूसरे वाले समुच्चय से n निकाल देना है, इस फार्मूले में रख देना है, संबंधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसको हल करते हैं। आपको क्या करना है, दिए गए समुच्चय लिख लेना है। सबसे पहले दिए गए समुच्चय लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यदि का मतलब क्या होता है, यदि का मतलब होता है दिया है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए समुच्चय लिखेंगे a बराबर 12 है, यहाँ से आपको m का मान मिल जाएगा, गिनो इसमें अव्यवों संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है? b बराबर यहाँ पर कितना है, 31 है, यहाँ पर अव्यवों की संख्या कितनी है। बाद वाले समुच्चय से n आपको निकालना है, पहले वाले समुच्चय से m निकालना है। तो n का मान, अवयवों की संख्या आपको काउंट करना है, काउंट करो, यहाँ पे 2 हैं,
अभी अब कितने हैं, दो हैं, तो दो। अब आपको फार्मूला लगा देना है, यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या, समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या। लगाव फार्मूला उड़ाओ गर्दा, लगाव फार्मूला उड़ाओ गर्दा। तो जैसे ही हम दो दो रखेंगे कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही एम का मान यहाँ पे दो रखा और एन का मान दो रखा, तो दो दूनी चार। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा समझा देते हैं। दो की घात दो गुणे दो, दो गुणे दो। अब आप लिख लीजिए, स्पेस थोड़ा कम है, दो की घात चार का कितना होगा, सोलह। दो की घात चार का कितना होगा, सोलह होगा। दोबारा लिख देते हैं, स्पेस कम है इसीलिए दिक्कत हो रही है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। दो की घात चार कितना होता है, सोलह, ठीक है। अब देखते हैं आपको दिख रहा है या नहीं नीचे, थोड़ा सा कैमरे को नीचे करेंगे, अगर नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिख रहा होगा, सोलह दिख रहा है, दिख रहा है, तो कैमरा नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं हमको पड़ी है। आपको अल्ट्रा HD हाई क्वालिटी में पढ़ा रहे हैं, आपको दिख रहा है सोलह, दो की घात चार, ठीक है। तो संबंधों की संख्या क्या निकली, सोलह। मतलब आप 16 R1 R2 ऐसे करके R1 बता सकते हो, R2 बता सकते हो, R3 बता सकते हो, ठीक है। संबंधों की संख्या बता सकते हो ऐसे R1 R2 R3 और 16 बता सकते हो, R4 R5 डॉट 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 R16, समझ गए। संबंधों की संख्या 16, मतलब A और B में जो संबंध बनेंगे कितने बना सकते हो, 16 बना सकते हो, 16। तो इसको हम रफ करेंगे, इस तरीके से प्रश्न पेपर में जरूर आता है, इसलिए आपको ये वाला तैयार कर लेना है, संबंधों की संख्या, ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है भाई। ये हो गया ना सेकंड रूल। अब आपको तीसरा रूल बताते हैं, कभी कभी क्या होगा, प्रश्न में प्रांत और परिसर और सह प्रांत पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर देखो, प्रांत, सह प्रांत, परिसर, आगे देख लो, यहाँ पे देखो, प्रांत, परिसर। तो प्रांत, परिसर और सह प्रांत, ये तीन बातें और आपको सीखना पड़ेंगी, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। इसको रफ करेंगे, अब आपको सिखाएंगे प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तीसरा रूल आप लोग डाल लो, तीसरा रूल डालो भाई, तीसरे रूल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पर डालते हैं नंबर 3, और यहाँ पर आपको सिखाएंगे प्रांत कैसे निकालोगे, जब आपको R दिया जाए, मीन्स संबंध दिया जाए, तब प्रांत कैसे निकालोगे, परिसर कैसे निकालोगे, सह प्रांत कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि R बराबर 12, 32, 34, 63, अगर R आपको ऐसा दे दिया जाए, तो R का परिसर, तो R का परिसर, पहले प्रांत उसके बाद परिसर, पहले प्रांत, R का प्रांत कामा परिसर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, R अगर आपको रोस्टर रूप में मिल जाए, ये जो दिया गया रोस्टर रूप में, प्रांत और परिसर ही बता सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रांत और परिसर ही बता सकते हो, आपको समझना है। जब R रोस्टर रूप में मिल जाए, तब आप प्रांत और परिसर ही बता सकते हो, सह प्रांत नहीं बता सकते हो, सह प्रांत नहीं बता सकते हो। जब आपको सह प्रांत बताना हो, तो तीर आरेख ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। सह प्रांत के लिए आपको क्या मिलेगा, डायग्राम मिलेगा,
ठीक है, डायग्राम नहीं मिलेगा तो तब आपको समुच्चय दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर संबंध दिया गया है, समुच्चय नहीं दिया गया। अगर दो समुच्चय मिल जाते तो हम क्या करते, इसको ए डालते, इसको बी डालते, और ए से बी में आर क्या होगा, संबंध होगा। तो समुच्चय के अभी अब यहाँ पे लिखते हैं और बी समुच्चय के अभी अब लिखते हैं। तब हम एक का दो के साथ तीर लगाते, तीन का दो के साथ तीर लगाते, तीन का चार के साथ तीर लगाते। अगर ग्राफ नहीं दिया गया तब आपको बना लेना है। सह प्रांत तभी निकाल पाओगे जब डायग्राम या तो मिल जाए या आपको ना दिया जाए। आपको बनाना है, बनेगा कैसे, समुच्चय दो मिल जाएं। प्रश्न में समुच्चय अगर दो मिल रहे हैं और संबंध R भी है तब आप ये डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाने के बाद सह प्रांत आप निकाल पाओगे। लेकिन अगर समुच्चय दो नहीं दिए जाएं और R आपको रोस्टर रूप में मिल जाए तब प्रांत और परिसर ही बता सकते हो, सह प्रांत नहीं बता सकते हो। प्रांत और परिसर ही बता सकते हो, सह प्रांत नहीं बता सकते हो अगर ये R रोस्टर रूप में दिया गया है, समुच्चय नहीं दिए गए हैं। हम आपको ये भी सिखाएंगे, पहले ये सीख लो। एक लाइन आपको ध्यान रखना है, एक लाइन आपको ध्यान रखना है। अगर समुच्चय नहीं दिए गए हैं तब सह प्रांत नहीं बता सकते हो। अगर समुच्चय नहीं दिए गए हैं सह प्रांत नहीं बता सकते हो, केवल और केवल प्रांत और परिसर ही बता सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से हमने एक प्रश्न लिया है। आपको मिलेगा जब प्रश्नों को लगाओगे ना तो इस तरीके से प्रश्न मिलेगा, और जब प्रश्न मिलेगा तो प्रांत और परिसर का गर्दा उड़ा देना है, उड़ा देना है। तो देखो दिया गया संबंध, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया संबंध, दिया गया संबंध R बराबर 12 32 34 63। क्या बताना है, R का प्रांत आगे वाले जो होते हैं, आगे वाले जो होते हैं वही प्रांत होता है। आगे वाले जो होते हैं युग्म में जो आगे लिखे होते हैं वही क्या होता है, प्रांत होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे, फिर तीन लिख देंगे, ये वाला तीन लिखोगे तो सेम टू सेम मिलेगा। तो सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है। पाठ एक में हमने आपको समझाया था कि अगर समुच्चय लिखना है एक जैसे को एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे तीन मिला, लिख दिया, ये वाला तीन सेम टू सेम है, नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ही लिखना होता है, सेम टू सेम को एक बार ही लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर छः लिख दो तो ये क्या हो गया, R का प्रांत। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी प्रांत होता है वो यक्ष के सभी संभव मान होते हैं। तो यक्ष के सभी संभव मान, मेरे प्यारे बच्चों, यक्ष के सभी संभव मानों को प्रांत बोलते हैं। तो यहां पर लिख देना सामने, यक्ष के सभी संभव मान क्या बोलते हैं, R का प्रांत बोलते हैं। तो यक्ष आगे जो होता है वो यक्ष का मान होता है। जैसे आपको बिंदु लिखना पड़े, ये बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है। अगर इसी को मजले कोष्टक में रख दें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे युग्म, युग्म भी बोलेंगे या फिर अभियव भी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये अकेला कहीं लिखा हुआ दिख जाए, अकेला अकेला तो बिंदु बोलते हैं, मजले कोष्टक के अंदर लिखा हुआ मिल जाए तो युग्म बोलते हैं, युग्म भी बोलते हैं, अभियव भी बोलते हैं। ठीक है, हमने बोला है पहले जो होता है वो यक्ष लिखा जाता है, बाद में होता है वो बाई लिखा होता है। तो यक्ष के मान 1 3 3 6, यक्ष के मान 1 3 3 6। तो 1 3 3 6 हमने क्या लिखा, 1 3 6। तो क्या बोलते हैं, यक्ष के सभी संभव मान को R का प्रांत बोलते हैं। ये जरूर आपको समझ लेना है कि यक्ष के सभी संभव मान को प्रांत बोलते हैं। इसको रफ कर देते हैं। अब परिसर,
परिसर जो होता है y के सभी संभव मान को परिसर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R का परिसर। मेरे प्यारे बच्चों R का परिसर, अब बाद वाले आपको देखना है, क्योंकि y के सभी संभव मान को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो ये देखिए, ये बाद वाले आपको देखना है y के मान, तो यही लिखना है दो, ये वाला दो, एक लिख चुके हैं दो, दोबारा दूसरा दो नहीं लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये जैसे ही लिखा तुरंत ही आप दो लिखोगे, ना लिखो, क्योंकि सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए चार, ये तीन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं y के सभी संभव मान, y के सभी संभव मान को क्या बोलते हैं, माई डियर स्टूडेंट, y के सभी संभव मान को R का परिसर बोलते हैं। तो ये जरूर आपको समझ लेना है। अब आप R मिल जाए तो प्रांत और परिसर निकाल देना है। प्रश्न जैसे यहाँ पर संबंध R, ये देखो संबंध R है, डायग्राम से बताया, तो प्रांत और परिसर निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसा R हमको बना लेना है, जैसे यहाँ पर ये चित्र दिया गया, तो ऐसा R नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, R बना लेंगे भाई, उसके बाद प्रांत और परिसर बता देंगे। परिसर और प्रांत आपको ऐसे R को बनाना होगा, तभी प्रांत और परिसर बता सकते हो। डायग्राम से क्या होता है, वहाँ पर आपको प्रतिबिंब देखना पड़ता है, जिसका जिसके साथ प्रतिबिंब है, तो उसके हिसाब से प्रांत और परिसर बता सकते हैं। अगर डायग्राम है तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर R ऐसा लिखते हो उसको देखकर तो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते हो, जैसे ये दिया गया चित्र, इसमें क्या होगा, ऐसा ना बनाओ, ऐसा ही बना रहने दो, केवल पूर्व प्रतिबिंब आपको देखना है। अभी क्लियर नहीं हो रहा है, हम रूल आगे बढ़ाते हैं, क्लियर करवाते हैं रूल आगे बढ़ाते हैं। तो ये रूल हो गया नंबर तीन। नंबर चार की बात करेंगे, इसको रफ करते हैं। नंबर चार, हम जो बताना चाहते थे वो यहाँ पे लिखवा देते हैं, जो उतनी देर से हम बता रहे थे अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए भाई, हमने आपसे बोला कि अगर आपको डायग्राम मिल जाए, अगर आपको परिसर और प्रांत बताना हो तो आप बता सकते हो डायग्राम से। अगर आप R रोस्टर रूम में ना लिखना चाहो, रोस्टर रूम में R को ना लिखना चाहो, तो चित्र से ही प्रांत और परिसर बता सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीर आरेख क्या सिखाएंगे आपको, तीर आरेख। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीर आरेख, जैसे हमने ये डायग्राम बना दिया, समुच्चय A है और ये क्या है, समुच्चय B है। समुच्चय A से B में हमने क्या ले लिया, संबंध R ले लिया। समुच्चय A के यहाँ पर हमने क्या लिख दिए, अभी लिख दिए। यहाँ पे समुच्चय B के अभी लिख दिए, x y z p q r। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डायग्राम आपको मिलेगा, जैसे प्रश्न चार में दिया गया डायग्राम, ऐसे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे हम बनवा रहे हैं, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, प्रश्न में मिलेगा, लेकिन आपको सीख लेना है। जैसे ऐसे एरो करके दे देगा प्रश्न में, डायग्राम में क्या दे देगा, एरो करके दे देगा, इसका मीन्स समझो। जैसे पाँच का एरो दिया है तीन में, इसका मीन्स है एक का प्रतिबिंब जेड है, वन का प्रतिबिंब क्या है, जेड है, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर ऐसा है जैसे एक्स और वाई है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स का ये जो वाई है प्रतिबिंब है, और वाई का एक्स जो है पूर्व प्रतिबिंब होता है, पूर्व प्रतिबिंब।
बाई का यक्ष क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब, और यक्ष का बाई क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब तो जानते हो ना, कि वो भी नहीं जानते हो, आईना है घर पे, आईना देखिए, जब आप आईना देखोगे, जब आप आईना देखोगे, शीशा देखोगे, तो पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, जब आप आईना देखोगे, शीशा देखोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर शीशे के अंदर से कोई तुमको देखता है, मतलब शीशे के अंदर तुमको कौन देखेगा, तुम ही देखोगे ना। तो अगर आप ये समझो कि शीशे के अंदर जो है वो हमें देख रहा है, तो क्या बनेगा, पूर्व प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब का मतलब। तो ये जो है पाँच का तीन क्या है, पाँच का तीन प्रतिबिंब है, छः का चार क्या है, प्रतिबिंब है, सात का पाँच क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये हमने वन का जेड क्या ले लिया, प्रतिबिंब ले लिया, वन का जेड क्या ले लिया, प्रतिबिंब ले लिया। तो ऐसे ही हम करेंगे, तीन का एक्स क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, दो का पी प्रतिबिंब है, चार का क्यू प्रतिबिंब है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी से प्रांत परिसर बताना है, और डायग्राम से तो आपको पता ही है, डायग्राम से सह प्रांत तो निकलता ही निकलता है, बगैर डायग्राम से आप सह प्रांत नहीं बता सकते हो, बगैर डायग्राम से सह प्रांत नहीं बता सकते हो, लेकिन प्रांत और परिसर हर तरीके से आप बता सकते हो, हर तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर का प्रांत, आर का प्रांत, तो R का प्रांत हमने क्या बोला है, X के सभी संभव मान को क्या बोलते हैं, R का प्रांत। तो आपको क्या देखना है, तीर देखना है, तीर, ये तीर बोलेंगे, क्या बोलते हैं, तीर भी बोलते हैं, प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है वही आपको लेना है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है वही आपको लेना है। पहले वाले गोले में जिसका प्रतिबिंब बन रहा है वही लेना है, तो क्या बोलेंगे, आर का प्रांत। और आपको पता है एक्स के सभी संभव मानों को क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। तो ये गोला होता है एक्स के लिए, ये वाला होता है वाई के लिए, क्यों, क्योंकि एक क्रॉस वी अगर हम निकालें, एक क्रॉस अगर वी निकालें, जैसे एक्स वाई है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला एक्स है और बाद में वाई है, तो पहला पहले का होता है और बाद का बाद वाले का होता है, पहला पहले वाले समुच्चय का होता है, बाद वाले समुच्चय के लिए होता है। अब देखिए ए है, तो ए काम करेगा एक्स का, और बाई काम करेगा, बाई काम करेगा वी के लिए। तो ये एक्स हैं, एक्स के मान, तो आपको कौन सा लेना है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वन का बन रहा है, दो का बन रहा है, तीन का बन रहा है, चार का बन रहा है। तो वन का बना जेड, दो का बना पी, तीन का बना एक्स, और चार का बना पी, ठीक है। तो आपको वन टू थ्री फोर लेना है, इस पांच को नहीं लेना है, क्योंकि पांच का प्रतिबिंब नहीं बना, जिसका प्रतिबिंब बने वही लेना है। तो हम लिखेंगे एक दो तीन चार, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, जिसका प्रतिबिंब बने वही लेना है, एक दो तीन चार, इनका प्रतिबिंब बना है तो इसीलिए एक दो तीन चार हमने लिखा है। और इनको क्या बोलते हैं, यक्ष के सभी संभव मान, यक्ष के सभी संभव मान, यक्ष के सभी संभव मानों को क्या बोलते हैं, यक्ष के सभी संभव मानों को आर का प्रांत बोलते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक्स के लिए होते हैं, इसमें जो हैं वो वाई के होते हैं, ठीक है। अब आर का परिसर बताना है, आर का परिसर, तो मेरे प्यारे बच्चों आर का परिसर देखना है, क्या देखना है, प्रतिबिंब। जैसे वन का जेड प्रतिबिंब है, तो आपको जेड ले लेना है। बाई के सभी संभव मान को क्या बोलते हैं, आर का परिसर बोलते हैं। वो सभी संभव मान लेना है जो प्रतिबिंब बने हुए हैं, जिनके प्रतिबिंब हैं। जैसे वन का जेड है, तो जेड आपको लेना है, ठीक है। और टू का क्या है, पी है, तो लेना है। तो हम क्रम से, चाहे क्रम से लिखो या क्रम से ना लिखो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, एक्स ले लेंगे, इसको छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वाई जो है
यहाँ से प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका वाई प्रतिबिंब हो, यहाँ पर ऐसा कोई भी अवयव नहीं है वाई जिसका प्रतिबिंब हो, नहीं है तो इसीलिए वाई को छोड़ दिया। ठीक है, जेड ले लेंगे, क्योंकि वन जो वन का जेड प्रतिबिंब है ना, एक्स लिया जेड लेना है, आगे बढ़ जाओ पी लेना है, फिर क्यू लेना है, एक्स लिया जेड लिया पी लिया क्यू लिया। ठीक है, हमने आर को नहीं लिया और वाई को नहीं लिया, इसमें कांटा लगा दिया, कांटा लगा। मेरे प्यारे बच्चों ये समझना है कि प्रतिबिंब माइन खेल है प्रतिबिंब का, तो वाई जो है यहाँ पर ऐसा कोई अवयव नहीं था जिसका प्रतिबिंब हो, नहीं था इसीलिए छोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो आर, यहाँ पर ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसका आर प्रतिबिंब हो, ऐसा कोई अवयव नहीं है तो इसीलिए आर को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिया, एक्स जेड पी और क्यू, आर को छोड़ दिया। और ये जो होते हैं वाई के मान होते हैं, मतलब प्रांत एक्स के मान होते हैं, परिसर वाई के मान होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई के सभी संभव मान, वाई के सभी संभव मान, वाई के सभी संभव मान को बोलते हैं आर का परिसर। अब आपको सह प्रांत बता देना है, आर का सह प्रांत, मेरे प्यारे बच्चों आर का सह प्रांत, सह प्रांत जब भी पूछा जाए तो बाद वाले गोले में, बाद वाले समुच्चय में जो भी अवयव हैं उनको सभी को लेना है, चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो या ना बन रहा हो, सारे के सारे लिखना है, चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो या ना बन रहा हो, सारे के सारे आपको ले लेना है। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर पी, फिर Q, फिर R, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सह प्रांत आपको पता है, सह प्रांत वगैरह डायग्राम से निकलता ही नहीं है, सह प्रांत के लिए डायग्राम होना जरूरी है। R का परिसर और प्रांत, R का परिसर और प्रांत दोनों तरीके से निकाल सकते हो, डायग्राम से भी निकाल सकते हो, अगर संबंध आपको दिया जाए उससे भी निकाल सकते हो। जैसे इसी डायग्राम का अगर हम संबंध लिखते हैं, इसी डायग्राम से अगर हम संबंध लिखते हैं रोस्टर रूम में, तो कैसे लिखा जाएगा समझो, तो वही खेल है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का खेल है। तो वन का जेड है तो हमने लिखा वन कामा जेड, ठीक है, वन का प्रतिबिंब जेड है तो वन कामा जेड से एक युग्म बन जाएगा। अब देखिए दो का पी है तो हमने क्या लिखा, दो कामा पी, दो का प्रतिबिंब पी है तो दो कामा पी से एक युग्म और बनेगा। फिर तीन का एक्स है, तीन का प्रतिबिंब क्या है, तीन का प्रतिबिंब एक्स है तो तीन कामा एक्स एक और युग्म आ गया। अब नेक्स्ट चार का क्यू है तो हमने लिखा चार कामा क्यू, चार का क्यू है तो हमने लिखा चार कामा क्यू, ठीक है। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम से आप संबंध लिख सकते हो, ठीक है, जब आप संबंध लिख सकते हो तो इससे तो हमने तीसरे रूल में आपको इसी संबंध से आर का प्रांत और परिसर सिखाया था, तो चाहो तो इससे चेक कर लो। आगे वाले जो होते हैं वो यक्ष के मान होते हैं, और यक्ष के जो संभव मान होते हैं उसी को बोलते हैं आर का प्रांत, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आगे वाले। परिसर का मतलब होता है बाई के मान, बाई के सभी संभव मान, तो इसमें बाद वाले जो होते हैं ना वो बाई के मान होते हैं, जेड पी एक्स क्यू, जेड पी एक्स क्यू। केवल आपको सह प्रांत पर ध्यान देना है, परिसर और प्रांत दोनों तरीके से निकाल सकते हो, अगर आर ऐसा है या फिर डायग्राम दिया गया है दोनों तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन सह प्रांत केवल डायग्राम से ही निकलता है, सह प्रांत इससे नहीं निकाल सकते हो। ये जो आर है ना रोस्टर रूप में लिखा है, रोस्टर रूप में, इससे सह प्रांत नहीं निकाल सकते हो,
केवल डायग्राम से ही सहप्रांत निकलता है, ये दिमाग में आपको सेट कर लेना है। समझ गए? कितने रूल हो गए? चार रूल हो गए, चार रूल हो गए। एक नोट पॉइंट आपको बताते हैं, एक क्या बताते हैं, नोट पॉइंट। लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, नोट पॉइंट आपको बताते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, नोट पॉइंट बताने के बाद प्रश्नों को लगवाया जाएगा। ये तो बेसिक था, अभी बेसिक में नोट और है। ये क्या है, बेसिक का नोट और लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नोट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आर मिल जाए, जैसे ए कामा बी या सी कामा डी ई कामा एफ, अगर आर ऐसा मिल जाए तो इसका प्रतिलोम बताना है, विलोम, प्रतिलोम, आर इनवर्स बताना हो, आर इनवर्स। कैसे बताओगे? बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। आर से आर इनवर्स आपको निकालना है, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले लिखना है। तो ए बी का बी ए हो जाएगा, सी डी का डी सी हो जाएगा, और ई एफ का एफ ई हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का बी ए हो जाएगा, सी डी का डी सी हो जाएगा, ई एफ का एफ ई हो जाएगा। कब? जब आर को आर इनवर्स बनाओगे, आर को आर इनवर्स बनाओगे तब युग्म को पलट देना है, पलट देना है, तो पता चल जाता है आर का आर इनवर्स। ठीक है, नोट हो गया, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसीलिए इसको बताना जरूरी था। अब प्रश्न चलेगा पहला। लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मज़ा आ रहा है, लाइक करते रहिए। प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर एक आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि ए इतना है, आर इतना है, द्वारा ए से, ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। तो हमें आर लिखना है, ठीक है, इसके प्रांत, सह प्रांत, परिसर। तो तीन चीज़ें और बताना है, पहले संबंध आर बताना है, उसके बाद प्रांत, परिसर और सह प्रांत बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समुच्चय। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, दिया है ए बराबर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, कहाँ तक जाना है, चौदह तक, तेरह और चौदह, कहाँ तक जाना है, चौदह तक जाना है। ठीक है, एक दो तीन चार, फिर आगे पाँच, फिर आगे छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, क्योंकि एक से चौदह तक समुच्चय ए में अवयव हैं। ठीक है, एक से चौदह तक लिख लिया। अब आपको ये संबंध आर लिखना है, ये प्रतीकात्मक विधि में है। ये क्या है, प्रतीकात्मक विधि में है, क्योंकि पाठ एक में आपको दो विधि पढ़ाई थी, रोस्टर को क्या बोलते हैं, साड़ी रूप, तो रोस्टर रूप बताया था और प्रतीकात्मक विधि। तो यहाँ पे ये आर जो दिया गया प्रतीकात्मक विधि में दिया गया है, आपको संबंध आर लिखना है, किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, रोस्टर रूप में युग्म बनाना है, क्या बनाना है, युग्म बनाना है, युग्म। तो हम पहले लिखते हैं आर, प्रतीकात्मक विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि। तो तीन एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, जहाँ एक्स बताया है और वाई बताया ए से लेना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो शर्त है ना, तो इसको कैसे लिख लो, वाई बराबर तीन एक्स लिख लो, वाई बराबर क्या लिख लो, तीन एक्स। चूँकि इसको उस साइड लेके जाएंगे तो वाई बराबर तीन एक्स होगा। ठीक है, अब आर आपको निकाल देना है। यहाँ पे बोला x और y किससे लेना है, a से लेना है। तो x जब a से लेंगे तो y जो निकलेगा यहाँ से वो a में ही निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों a a से ही ले सकते हो और दोनों a में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो x का मान अगर हम बन ले लें, x का मान बन ले लें, तो बन यहाँ पे रखो, y का मान कितना मिलेगा, तीन। तो यहाँ पर y का मान तीन आया, x का मान बन हमने यहाँ पे रखा तो y का मान कितना निकला, तीन। तो वन पे तीन एक युग्म बन जाएगा, वन पे तीन एक युग्म बन जाएगा। ठीक है, अब आपको x का मान दो लेना है, x का मान, क्योंकि यहाँ पे बोला x बिलोंग कर रहा है a में, तो a से आप
x का मान ले लो, तो x का मान दो लिया यहाँ पे रखो, तो y का मान कितना मिलेगा, छः मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिर जब x का मान यहाँ पे तीन रखा तो y का मान कितना मिलेगा, तीन रखो, तीन तिरका नौ। जब हमने x का मान चार लिया यहाँ पे रखो, चार रखोगे चार तीन बारह, ठीक है, चार तीन बारह। जब हम x का मान पाँच लिया है यहाँ पे रखो, पाँच तीन पंद्रह, तो y का मान कितना मिला, जब हमने y का मान मतलब x का मान पाँच रखा तो पाँच तीन पंद्रह मिला, y का मान कितना मिला, पंद्रह। अब इसमें पंद्रह है, देखो इसने बोला है x और y a में ही होना चाहिए, तो y का मान पंद्रह मिला है, तो पंद्रह देखो इसमें है नहीं है, तो ये वाला आपको छोड़ना है, आगे के जितने हैं सारे के सारे छोड़े जाएंगे, समझ गए, क्योंकि हमें चौदह से इधर देखना है, चौदह के आगे नहीं देखना है, क्योंकि चौदह तक है, चौदह के आगे जैसे मिल जाए छोड़ दो। तो पाँच पे पंद्रह मिला ये युग्म नहीं लेंगे, अगर छः रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप छः रखोगे यहाँ पे तो बाई का मान अठारह मिलेगा ना, तो बाई का मान अठारह, ये बोल रहा है कि बाई जो है ए में है, लेकिन बाई ए में कहाँ है, ये अठारह इसमें कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये छः इसमें है, ये छः समुच्चय में है, लेकिन y का मान नहीं है, दोनों होना चाहिए, x और y दोनों होना चाहिए a में, अगर दोनों हैं तो आपको युग्म लेना है, अगर एक है एक नहीं है तो युग्म छोड़ देना है। जैसे अगर इसकी बात करें, दो और छः देखो, दो और छः, ये दो x का मान है और छः जो है y का मान है, दो और छः देखो इसमें है, दो और छः मिला, तो इसीलिए ये वाला युग्म लिखना है, दो छः जो है इसीलिए आपको लिखना है, दोनों होना चाहिए, अगर एक है एक नहीं है, अगर एक समुच्चय ए में है दूसरा नहीं है तो आपको छोड़ देना है। तो आगे ऐसे और लिखोगे आपको छोड़ना पड़ेंगे, तो इसलिए आपको नहीं लिखना है, कहाँ तक रखोगे, जब चार एक्स का मान रखा तो बाई का मान बारह मिला, तो बारह इसमें है, बारह इसमें यहीं तक रखो, समझ गए। अब इसके बाद में आपको क्या बताना है, आपको बताना है, ये तो हो गया, क्योंकि संबंधार लिखिए, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो सह प्रांत कैसे बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सह प्रांत के लिए डायग्राम होना जरूरी है, आप इससे प्रांत और परिसर बता सकते हो, इस संबंध से प्रांत और परिसर बता सकते हो, सह प्रांत नहीं बता सकते हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से प्रांत और परिसर भी पता चल जाएगा और सह प्रांत भी पता चल जाएगा, प्रांत और परिसर दोनों से पता चलता है, इससे भी पता कर सकते हो और डायग्राम से भी पता कर सकते हो, बेसिक हमने अभी पढ़ाया, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, तीर आरेख का हम काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीर आरेख का हम यहाँ पे करते हैं काम, तीर आरेख, ठीक है, यहाँ पे तो ये R हो गया समुच्चय A, और यहाँ पर भी A लिखो, क्योंकि एक समुच्चय, केवल एक समुच्चय है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपको वही समुच्चय लिखना है। अगर दो समुच्चय दिए जाते प्रश्न में, दो समुच्चय दिए जाते तो पहला ये हो जाता और दूसरा ये हो जाता, ठीक है। अब A लिख लो कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात डाट 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 और चौदह तक, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दें, थोड़ा बड़ा देख लो भाई, पूरे अगर लिखना है तो बड़ा बड़ा बना भाई, अगर पूरे लिखना है तो ऐसे करके बड़ा बना लो, पूरे आ जाएंगे। अगर डाट डाट चलाना चाहते हो डाट डाट चला लो, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस डाट डाट चला लो, ठीक है, डाट डाट चला लो। यहाँ पर भी वही लिखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस डाट 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 चौदह। अब आपको क्या करना है, प्रतिबिंब देखना है, वन का तीन प्रतिबिंब है, तो तीर लगाना है वन का तीन, ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझना है डायग्राम। हमने बोला है प्रश्न में या तो डायग्राम मिलेगा आपको, अगर बाय चांस ना मिले तो ऐसे करके बनाना है। वन का तीन क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। दो का छः प्रतिबिंब है, दो का छः प्रतिबिंब है, तीन का नौ प्रतिबिंब है, तीन का नौ प्रतिबिंब है, तीन का नौ चार का बारह है,
तो यहाँ पे 12 और लिख लो, डॉट डॉट के बाद में 12 और लिख लो, ठीक है, 12 और लिख लो, क्योंकि 4 का जो दिया है प्रतिबिंब कितना है 12, तो 3 का तो 9 हो गया ना, 4 का 12, 4 का 12 प्रतिबिंब है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रांत बताना है, R का प्रांत, R का प्रांत। तो मेरे प्यारे बच्चों, यक्ष के जो मान होते हैं, यक्ष के सभी संभव मान को क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। तो कौन सा लेना है, वो वाले मान उठाना है पहले वाले गोले से जिसका प्रतिबिंब बना है। तो 1 का बना, 2 का बना, 3 का बना, 4 का बना, तो 1 का प्रतिबिंब बना है, 2 का बना है, 3 का बना है और 4 का बना है, 5 का नहीं प्रतिबिंब बना है, 6 का नहीं बना, 7 का नहीं बना है। जिसका नहीं बना है उसको छोड़ देना है, जिसका प्रतिबिंब नहीं बना है उसको छोड़ देना है, जिसका प्रतिबिंब बना है वही आपको लिख देना है। तो बोलेंगे R का प्रांत, ठीक है। अब R का परिसर, मेरे प्यारे बच्चों, R का परिसर, अगर हम परिसर की बात करें तो बाद में देखना है, बाद में देखना है। 1 का 3 है तो 3 ले लेना है, मतलब जिसका प्रतिबिंब बना हुआ है वही आपको उठाना है बाद वाले से। तो 3, 6, 9, तो 3, 6, 9 उठाना है, तो 3, 6, 9, ठीक है, 3, 6, 9। चाहे आप यहाँ पे देख लो, एक 12 और है, 12 और लिख लो, ये देखो 3, 6, 9 और ये 12 और लिखना है, ठीक है। इनको छोड़ना है क्योंकि 1 और 2 और 4, 5 इस वाले गोले में ऐसा कोई अभी अब नहीं है जिनका ये प्रतिबिंब हो। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 जितना है पहले वाले गोले में ऐसा कोई अभी अब नहीं है जिनके ये प्रतिबिंब हो। तो नहीं है तो इनको छोड़ना है, केवल 3, 6, 9 और 12 पकड़ना है, 3, 6, 9, 12। तो क्या बोलते हैं, R का परिसर। तो R का परिसर बाई के सभी संभव मान को हम परिसर बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे देख लो, अगर परिसर निकालना है, मतलब इससे निकालना है, अगर डायग्राम से नहीं निकालना है इससे निकालो, 3, 6, 9, 12 बाद वाले परिसर बोलते हैं, जो पहले होते हैं उनको प्रांत बोलते हैं। अगर आप युग्म से निकालते हो तो कम समय लगेगा, डायग्राम से निकालोगे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो किसी में समय नहीं लगेगा। तो अगर युग्म से बात करें R का प्रांत, तो 1, 2, 3, 4 देखो, 1, 2, 3, 4। अगर हम परिसर की बात करें तो बाद वाले उठाना है, प्रांत के लिए आगे वाले लेना पड़ते हैं और परिसर के लिए बाद में जो लिखे होते हैं उनको उठाना होता है। 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 ठीक है। तो चाहो इससे निकालो, चाहो डायग्राम से निकाल लो। अब बचा मेरा सह प्रांत, क्या बचा, सह प्रांत। सो सह प्रांत जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाद वाले गोले में जो भी अभी अब हैं सारे के सारे लिख लेना है, चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो, चाहे प्रतिबिंब बने या ना बने, ऐसे ध्यान रखो, बाद वाले गोले के सभी अभी अब आपको लिखना है, चाहे प्रतिबिंब बने या ना बने, सबको लिख देना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए हम तीर ईर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे R का सह प्रांत, R का सह प्रांत। तो मेरे प्यारे बच्चों, सह प्रांत का मतलब होता है बाद वाले गोले में जो भी है सबको लिखो। तो बाद वाला क्या है, ये पूरा पूरा A है, लिख दो 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला लिख दो क्या है, 14। 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट का 14 लिख लो। तो ऐसे करके आपको सह प्रांत निकालना है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, जब आपको सह प्रांत निकालना हो तो बाद वाले डायग्राम में, बाद वाले गोले में जो भी अभी अब हैं सबको लिख लेना है, चाहे 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 ये क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब, हाँ, चाहे प्रतिबिंब बने या ना बने, चाहे प्रतिबिंब बने या ना बने, सबको लिखना है। तो क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो प्रश्न हो गया कंप्लीट, प्रश्न नंबर 2 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, सेम टू सेम ऐसे ही है। देखो R दिया गया है और यहाँ पे बोला है संख्या 4 से कम है, संख्या 4 से कम है, एक प्राकृत संख्या है, x, y बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए,
इस संबंध को रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसे दिखाना है, मतलब इस आर को जो दिया गया संबंध कैसे दिखाना, ऐसे दिखाना है, बोलते हैं रोस्टर रूप। प्रांत और परिसर पूछ रहा है, तो यहाँ पर केवल प्रांत और परिसर पूछ रहा है, सह प्रांत नहीं पूछ रहा है, तो डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर दो में डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सह प्रांत नहीं पूछ रहा है। जब प्रश्न में सह प्रांत पूछ रहा है, सह प्रांत पूछे तब डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अगर सह प्रांत नहीं पूछ रहा है प्रश्न में तो डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर दो की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, पहले इसको हम रफ करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर दो डालते हैं, क्या डालते हैं, नंबर दो, ठीक है। यहाँ पे बोला है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर दिया गया, लिख लो आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट, एक्स कामा वाई सच दैट वाई के इक्वल एक्स प्लस पाँच, यहाँ पे संख्या चार से कम, तो यहाँ पे लिखो एक्स, एक्स होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, एक संख्या चार से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत क्या है, संख्या है। और आगे बोला है x और y दोनों किस में होना चाहिए, x और y दोनों n में होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये r है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर रूप में। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पर ये शर्त है ना, यहीं से युग्म बना लेंगे, ये जो शर्त है यहीं से युग्म बना लेंगे। यहाँ पे बोला एक संख्या चार से कम प्राकृत संख्या लेना, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरुआत होती है, एक से क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है। इसने बोला है एक संख्या चार से कम एक प्राकृत संख्या है, तो x जो है संख्या चार से कम एक दो तीन, ठीक है, तो x के मान मिल गए एक दो तीन, ठीक है। अब r को हम बना लेंगे रोस्टर रूप में, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोस्टर रूप, तो r बराबर देखो कैसे, ये x का मान एक रखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे रख दो, x का मान यहाँ पे एक रख दिया, यही x का मान इसमें रखो, y का मान कितना मिला, एक रखोगे तो एक प्लस पाँच छः हुआ, तो y का मान छः मिला। अब ये x का मान ये वाला जो दो है इसमें रखो, यहाँ पे रखो, y का मान कितना मिलेगा, सात, तो दो पे सात मिला, और तीन पे कितना मिला, x का मान तीन है, यहाँ पे रखा, y का मान कितना मिला, तीन और पाँच आठ, सोलह सत्ताईस अड़तीस, ठीक है। अब यहाँ से आपको बता देना है, क्या बता देना है, प्रांत परिसर, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो R का प्रांत आगे वाले जो होते ना उनको लिख लेना है, क्या बोलते हैं, प्रांत। R का परिसर जो बाद वाले होते हैं उनको लिख लेना है, क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो छः फिर सात फिर आठ, छः सात आठ, ठीक है, नोट कर लो भाई, ये सब निकल आया। आर पूछा गया था, प्रांत पूछा गया था, परिसर पूछा गया, सब हमने निकाल दिए। अब क्या करो, नोट कर लो रैपिड फायर नोट करो भाई। अब प्रश्न नंबर तीन भी ऐसे ही है, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो वन बाय वन प्रश्न आप लगा सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। इसको हटाते हैं, प्रश्न नंबर तीन देख लो, प्रश्न नंबर तीन की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, यहाँ पे डालते हैं तीन नंबर। यहाँ पे बोला गया ए दिया बी दिया, ए से बी में एक संबंध आर दिया, आगे लिखा है द्वारा परिभाषित कीजिए आर रोस्टर रूप में, लिखिए। यहाँ पे केवल आर पूछ लिया गया, रोस्टर रूप, कामा लगा लगा के लिखना है। साड़ी विधि को ही क्या बोलते हैं,
रोस्टर रूप बोलते हैं, साड़ी विधि ही रोस्टर रूप होती है। तो यहाँ पे लिखो दिए गए समुच्चय, सभी स्टूडेंट लिखें दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय ए बराबर कितना है 12 35 12 35, ए बराबर हो गया 12 35, बी बराबर हो गया 469, ठीक है। और आर कितना दिया गया है, आर दिया गया एक्स का वाई, सच दैट एक्स और वाई, एक्स और वाई का अंतर, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर क्या है विषम है। आगे लिखा है एक्स ए से लेना है और वाई बी से लेना है, यहाँ पे थोड़ा समझना है। कहता है एक्स ए से लेना है, वाई जो है बी से लेना है, एक्स ए से लेना है वाई बी से लेना है, ये आपको समझना है, ठीक है। चलो भाई अब इसी को हम चेंज करते हैं रोस्टर रूप में। तो कहता है एक्स और वाई का अंतर विषम है, तो एक्स ए से लेना है, अगर हमने वन ले लिया, अगर हमने क्या ले लिया वन ले लिया, अब वाई बी से लेना है तो वाई के हम चेंज करते रहेंगे, जैसे हमने एक्स का मान वन ले लिया, अब वाई के चेंज इसलिए करते रहते हैं अगर विषम मिलेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे योगम सेट कर देंगे। तो अगर हम चार ले लें, बाई का मान कितना ले लें चार ले लें, अंतर कितना मिला तीन मिला, एक और चार में अंतर तीन का है तो विषम मिल रहा है, तो एक और चार एक योग बन जाएगा, ठीक है। फिर एक पकड़े रहते हैं, अब यहाँ पे छः लिखेंगे, एक और छः का अंतर बताइए पाँच हुआ तो विषम मिला, फिर एक ले लीजिए, एक लिया अब नौ लिखेंगे, ऊपर बताते हैं एक अगर लिया और नौ लिया, ठीक है, एक हम पकड़े रहते हैं, ठीक है, एक को छोड़ना नहीं है जब तक तुमको विषम मिलता रहे, तो विषम मिलता रहे तो हम पकड़े रहेंगे। तो एक और चार में अंतर तीन आया विषम है, एक और छः में अंतर पाँच मिला विषम है, एक और नौ में अंतर कितना मिला आठ है, तो ये क्या है सम है, तो इस पर लगा दो कांटा, कांटा लगा, केवल यही आपको लेना है। एक कामा चार, मेरे प्यारे बच्चों एक कामा चार, एक कामा छः, एक कामा चार, एक कामा छः, ठीक है, क्योंकि साफ साफ उसने बोला है, साफ साफ उसने बोला है कि अंतर जो है विषम आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए विषम आना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम, मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें दो की, देखो पहले आपको चार छः और नौ, ठीक है, अब दो आपको लिखना है यहाँ पे, ऐसे समझो ज़्यादा समझ में आएगा। अब बताना है दो का, दो कामा चार, दो कामा छः, दो कामा नौ, कौन कौन से युग्म यहाँ पे लिखे जाएंगे दो के साथ में, जिसका अंतर विषम होगा वही आपको लिखना। अगर इसका इसमें देखें अंतर तो दो मिला, इसका इसमें अंतर देखें दो छः का अंतर कितना मिला भाई चार मिला, ठीक है, दो और नौ का अंतर बताइए सात मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर लगा दो कांटा और इस पर लगा दो कांटा, क्योंकि यहाँ पे दो यहाँ पे चार, तो ये सम है, लेना क्या है विषम, विषम लेना है, तो विषम सात मिला, तो दो पे नौ एक युग्म मिला है, मेरे प्यारे बच्चों दो पे नौ एक युग्म मिला है, क्लियर हुआ। अब आपको तीन ले लेना है, एक हो गया दो हो गया, अब आपको तीन लेना है, चार छः नौ ऐसे ही रखेंगे, चार और छः नौ ऐसे ही रखेंगे, हम क्या करेंगे तीन लेते हैं तीन, अब अंतर देखना है, तीन और चार का अंतर एक है, तीन और छः का अंतर तीन है, तीन और नौ का अंतर छः है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे लगा दो कांटा, क्योंकि ये छः दिख रहा है सम है, वन और थ्री भी सम है, तो तीन के साथ में कितने युग्म बन जाएंगे, तीन का चार के साथ बन जाएगा और तीन का छः के साथ बन जाएगा। देखो भाई तीन का चार के साथ बन रहा है, तीन का छः के साथ बन रहा है, इस पे कांटा लगा दो, कांटा लगा, क्योंकि ये सम है इसलिए, तो विषम जितने दिख रहे हैं, क्योंकि शर्त में विषम बताया है अंतर विषम, तो भाई विषम विषम दिख रहा है अंतर, तो तीन का चार हो गया तीन का छः हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तीन के बाद पाँच लेते हैं यहाँ पे, और अब फिर आपको अंतर बताना है, क्या बताना है अंतर, पाँच और चार में अंतर कितना है एक का है, पाँच और छः का अंतर एक है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हाँ
ठीक तो है, पाँच और चार का अंतर एक है, पाँच और छः का अंतर एक है, पाँच और नौ का अंतर बताइए, पाँच और नौ का अंतर चार है। ठीक है, अब किस में कांटा लगाना है, इसमें कांटा लगा दो, कांटा लगा, क्योंकि यहाँ पे सम मिला ना, आपको अंतर विषम लेना है, तो इसका बन इसका बन, ठीक है, अंतर विषम है, तो पाँच का चार आपको लिखना है, पाँच जो है चार के साथ लिखना है और पाँच जो है छः के साथ लिखना है। ठीक है, तो एक दो तीन और पाँच, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, तो इसके अभी अब ख़त्म हो गए समुच्चय ए के, अभी अब ख़त्म हो गए ना, ख़त्म हो गए तो आपको स्टॉप कर देना है। ए के अगर अभी अब और होते तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते, अगर ए के अभी अब और होते ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते, केवल और केवल एक दो तीन चार, चार अभी अब थे, तो देखो एक दो तीन और चार, ठीक है, चार अभी अब थे, तो चारों अभी अब के साथ में हमने ऐसे आपको सिखा दिया, तो अंतर विषम है वही आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये निकला है संबंध आर, बोलते हैं रोस्टर रूप। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि रोस्टर रूप में लिखना है, तो यही आपका क्या है, रोस्टर रूप है। प्रश्न नंबर तीन कंप्लीट हुआ। इस वाले प्रश्न में प्रांत परिसर सह प्रांत नहीं पूछा गया है, अगर पूछता तो हम निकाल देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर चार, प्रश्न नंबर चार में सबसे पहले आकृति 2.7 बनाई है, इसको हम रफ करते हैं, ये तो कंप्लीट हुआ, पहले क्या बनाना है डायग्राम। 2.7 है वो तीर आरेख, 2.7 है वो क्या है, तीर आरेख है, तीर आरेख, यहाँ पे लिखते हैं चार, यहाँ पे लिख दो तीर आरेख, तीर आरेख, पाँच छः सात, पाँच छः सात, तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, पाँच छः सात, तीन चार पाँच, ये पी है, ये क्यू है, संबंध आर, संबंध आर जो है पी और क्यू का है, तो पाँच जो है, पाँच का प्रतिबिंब तीन है, छः का प्रतिबिंब चार है और सात का प्रतिबिंब पाँच है, पाँच का प्रतिबिंब तीन है, छः का प्रतिबिंब चार है, सात का प्रतिबिंब पाँच है। अब उसने बोला है फर्स्ट वाले पार्ट में समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण निर्माण रूप का मतलब है आपको इस तरीके से बताना है, आर को इस तरीके से लिखना है, समझ गए, चाहे यहाँ पे देख लो, ये वाला देख लो, इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप या विधि। पार्ट एक में हमने दो ही विधि बताई थी, साड़ी विधि और प्रतीकात्मक विधि, प्रतीकात्मक विधि के तीन नाम बताए थे और साड़ी विधि के भी तीन नाम बताए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, प्रश्न में उन्हीं में से कोई ना कोई आपको नाम मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट एक जरूर आप कंप्लीट करें, प्लेलिस्ट में वन बाय वन क्लास आपको मिल जाएंगी। पार्ट एक कंप्लीट करने के बाद आप पार्ट दो पढ़िए, ये गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है, पार्ट दो आपके समझ में आएगा, अगर पार्ट पहला आपने कंप्लीट किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम से हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप बनाते हैं। देखो समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप डायग्राम से क्या बनाएंगे, समुच्चय निर्माण रूप आर बराबर, पहले तो इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, एक्स का वाई सच दैट, ये तो कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो आपको समुच्चय निर्माण रूप से संबंध बताए लिखो, तो ये कॉमन है, इतना तो आपको लिखना है। इसके बाद आपको शर्त लिखना पड़ती है, इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ती है, शर्त। ठीक है, और अगर दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं तो यहाँ पर आपको ये जरूर लिखना है, एक्स रहेगा पहले वाले समुच्चय में और वाई रहेगा बाद वाले समुच्चय में, वाई रहेगा बाद वाले समुच्चय में और एक्स रहेगा पहले वाले समुच्चय में, ये जरूर ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना और इतना ध्यान रखना कि दो समुच्चय हैं तो एक्स रहेगा पहले वाले में और वाई रहेगा दूसरे वाले में। अब देखो ये दो बिंदी को बोलते हैं सच दैट, इसके बाद शर्त लिखी जाती है, तो हमने वाई और एक्स लिखा,
वाई और एक्स। अब देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तीन में हम दो जोड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, ये छः पाँच मिल रहा है, पाँच, ठीक है, तीन प्लस दो। अगर चार में अगर हम दो जोड़ दें तो हमको छः मिल रहा है, देखो। पाँच में अगर हम दो जोड़ दें तो कितना मिलेगा, सात मिलेगा, देखो। तो कहने मतलब है तीन चार पाँच, तीन चार पाँच में अगर दो जोड़ दें तो ये मैच हो रहा है। और दो किस में जुड़ रहा है, बाई में जुड़ रहा है। दो किस में जुड़ रहा है, बाई में जुड़ रहा है। बाई में जुड़ने के बाद में ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, बराबर। तो यहाँ पे बराबर लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, बराबर, ठीक है। तो बाई में दो जुड़ रहा है, तो अगर तीन में दो जुड़ें तो किसके बराबर होगा, पाँच के बराबर होगा। पाँच किसका है, एक्स का है। चार में अगर दो जोड़ रहे हैं, चार में दो जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, छः, छः मिला, छः किसका है, एक्स का है। अगर पाँच में हम दो जोड़ रहे हैं, पाँच में दो जोड़ा किसके बराबर होगा, सात के बराबर होगा। ये सात किसके बराबर है, एक्स के, देखो भैया। तो ऐसे करके आपको बनाना है। यहाँ पे लिखते हैं बड़ा बड़ा, जहाँ एक्स पी में काम करेगा, मतलब बिलोंग करेगा, और वाई जो है क्यू में है, वाई जो है क्यू में है, ठीक है। इस शर्त को बदल सकते हो, हम आपको बता रहे हैं कैसे बदल सकते हो, अथवा करके लिखवा देते हैं, एक्स कम वाई सच देट, इस दो को उस साइड लेके चलो। तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इस शर्त को ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। चाहे ऊपर वाला लिखो और चाहे नीचे वाला लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूसरे वाले में क्या पूछा है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में ये पहला हुआ समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप देख लो इसका, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोस्टर रूप कहाँ से बनाना है, यहाँ से बनाना है रोस्टर रूप। ये एक्स का मान होता है, ये बाई का। तो पाँच का प्रतिबिंब तीन है, तो पाँच कामा तीन आपको लिख देना है, पाँच का प्रतिबिंब तीन है। छः का प्रतिबिंब कितना है, चार, तो छः कामा चार हो जाएगा। सात का प्रतिबिंब कितना है, पाँच, तो सात कामा पाँच हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक और बढ़ा दें, जैसे तीन बढ़ा दें, तो तीन का प्रतिबिंब नहीं है, तो तीन का प्रतिबिंब नहीं है, तो तीन के साथ कोई भी युग्म नहीं बनेगा। युग्म उसी का बनता है जिसका प्रतिबिंब है, जिसका प्रतिबिंब बना है उसी से युग्म बनाना है, और जिसका नहीं है प्रतिबिंब उसको छोड़ देना है। तो जैसे तीन हमने अपने पास से लिखा, अब तीन का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसीलिए हम तीन के साथ कोई भी युग्म नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अलग से हमने इसे समझा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तिरपन चौंसठ, तिरपन चौंसठ पचहत्तर, तो ये बन गया रोस्टर रूप, ठीक है। फिर बोला है प्रांत परिसर निकालिए, तो प्रांत, प्रांत जो होता है एक्स के सभी संभव मानों को बोलते हैं, और परिसर जो होता है वाई के सभी संभव मानों को बोलते हैं। तो आर का यहाँ पे लिखते हैं, आर का प्रांत, मेरे प्यारे बच्चों आगे वाले आपको देख के लिख लेना, आगे वाले पाँच छः सात, आगे वाले क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। फिर आर का परिसर बताना है, आर का परिसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों, आर का अगर परिसर बताना, तो बाद वाले प्रांत में आगे वाले लिखे जाते हैं और परिसर में बाद वाले लिखे जाते हैं। तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने किससे प्रांत और परिसर निकाला, इससे निकाला। चाहो तो डायग्राम से निकाल सकते हो, डायग्राम में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रतिबिंब देखना पड़ते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं देखना पड़ते हैं। यहाँ पर आगे वाले प्रांत बोलते हैं, बाद वाले परिसर बोलते हैं, तो किसी से निकालो। प्रांत और परिसर सबसे निकल आएगा, चाहे रोस्टर रूप में आर दिया हो या फिर डायग्राम बनाओ। सह प्रांत केवल डायग्राम से निकलता है, सह प्रांत केवल डायग्राम से निकलता है। ये जो आर दिया है, यहाँ से सह प्रांत नहीं निकाल सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल सह प्रांत जो है डायग्राम से आपको निकाल देना है। प्रांत और परिसर चाहे डायग्राम हो चाहे रोस्टर रूप में हो, संबंधार दोनों से निकलता है। प्रांत और परिसर दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन सह प्रांत केवल एक तरीका है, डायग्राम, बस। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो, पांचवा
आखिरी बचा है। यहाँ पे तीन पार्ट दिए गए हैं, रोस्टर रूप, आर का प्रांत और आर का परिसर। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। प्रश्न नंबर पांच की है बारी, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न नंबर पांच। प्रश्न नंबर पांच कहा है, ए दिया गया है, कहा है आर जो है ए पर, यह संबंध है, संबंध में एक शर्त है, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है रोस्टर रूम में। तो ये संबंध आर जो है रोस्टर रूम में बदलना है, समुच्चय दिया गया है, तो बदलेंगे भाई, दिया गया समुच्चय लिख लो, दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय लिख लो। ए बराबर कितना है, ए बराबर 12/34, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। फिर उसके बाद में आर ए का वी सच दैट, शर्त लिखना है यहाँ पर, ए और बी बिलोंग करेंगे ए में, मतलब दोनों ही ए से आपको लेना पड़ेंगे मान। फिर आगे लिखा है संख्या ए, आगे लिखा है संख्या ए संख्या बी को, संख्या जो ए है संख्या बी को, संख्या बी को यथावत यथावत विभाजित विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है, इसका मतलब है ए जो है बी को काटेगा, ए जो है बी को काटेगा, ठीक है। तो कैसे, बी ऊपर आपको रखना है मान और ए के नीचे रखना है, तो बी के मान और ए के मान ए से ही लिखना है। तो हमने 1, 2, 3, 4, 6 लिखा, ठीक है। और ए भी यहीं से ले सकते हो, 1, 2, 3, फिर 4, 5 नहीं है, 6 आपको लिखना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6। अब 1 आप पकड़ लो, 1 जो है इस सभी में आपको भाग लगाना है, तो 1 का 1 में भाग लगाओगे तो आंसर तो निकलेगा, मतलब कटना चाहिए, कटना चाहिए। तो 1 का 2 में भाग लगाओगे तो भाई 2 ही मिलेगा, तो ऐसे करके युग्म बनाना है। तो 1 जो है सभी को काट देगा, सभी को काट देगा, 1 जो है सभी को काट देगा, देखो तो ऐसे लिखना है, 1 जो है सभी को काट रहा है, 1 को काट रहा है ऐसे लिखो, 2 को काट रहा है ऐसे लिखो, 3 को काट रहा है तो ऐसे लिखो, 4 को काट रहा है तो ऐसे लिखो, 6 को काट रहा है तो ऐसे लिखो, ये हो गया। अब इसमें लगा दो कांटा, कांटा लगा, अब 2 ले लो मेरे प्यारे बच्चों। हमने 2 लिया, हमने कितना लिया, 2, देखो इसमें भाग लगाओगे तो 2 जो है 1 को नहीं काट पाएगा, लेकिन 2 जो है 2 को काट देगा, 2 जो है 2 को काट देगा, 2 जो है 2 को काट देगा, 2 जो है 3 को नहीं काट पाएगा, 2 जो है 4 को काट देगा, 2 जो है 4 को काटेगा, जैसे 4 है बी का मान, 2 है देखो काट रहा है, तो जो काट रहा है वही लिखना है, 2 के साथ, 2 के साथ, 2 4 के साथ, 2 6 के साथ, ठीक है। अब आपको 3 लेना, 3 जो है केवल 3 को काट पाएगा और 6 को काट पाएगा, 3 जो है 3 को काट पाएगा और 6 को काट पाएगा, 3 जो है 3 को काट पाएगा और 6 को काट पाएगा, 4 देखो 4 जो है 4 को काट पाएगा, 4 जो है केवल और केवल 4 को काट पाएगा। अगर 2 लिखा, 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 1/2 आ रहा, तो नहीं काट रहा है, कहने मतलब है ये अंश बटे हर में निकल रहा है, इसने बोला है पूरा पूरा काट दे, जो भी निकले वो अंश में निकलना चाहिए, तो अंश वाले आपको लेना है, अंश वाले, तो 4 जो है 4 को काटेगा, ठीक है, 4 × 1 = 4, अंश में जो उत्तर आ जाए उसी को लेना है। अब 4 जो है 6 को नहीं काट पाएगा, हटाओ, अब 6 ले लो, 6 जो है 1 को नहीं काट पाएगा, 2 को नहीं काट पाएगा, 3 को नहीं काट पाएगा, 4 को नहीं काट पाएगा, 6 को काट देगा, तो 6 जो है केवल और केवल 6 को काट पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 जो है 6 को काट पाएगा। तो ऐसे करके आपको युग्म बनाना है, कितने बन गए काउंट करें, चाहे काउंट करो या ना करो, एकदम करेक्ट युग्म बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है,
नंबर एक यहाँ पे डाल देना, क्योंकि आर को रोस्टर रूम में कहा गया है, आर को रोस्टर रूप में कहा गया है, आर को रोस्टर रूप में कहा गया है। ठीक है, ये बन गया। सेकंड वाले में क्या बोला है, सेकंड वाले में बोला है आर का प्रांत निकालिए, तो आर का प्रांत बताइए, तो आर का प्रांत जो आगे वाले होते हैं, जो आगे वाले होते हैं वो प्रांत होते हैं, तो वन ले लिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर युग्म नहीं बनेंगे, समुच्चय बनता है, समुच्चय बनता है। तो आर का प्रांत एक ले लिया, फिर ये एक तो लिख ही चुके हैं, आगे दो ले लो, दो के हो चुके तीन लिख लो, तीन हो गया चार लिख लो, फिर छः लिख लो। तो मतलब युग्म के आगे वाला उठा उठा के लिख देना है, तो क्या बोलते हैं, आर का प्रांत। अब चार नंबर पे देखिए, मतलब तीन नंबर पे देखिए, परिसर पूछा है, उसमें चौथा पार्ट नहीं है। तीन नंबर पे देखिए आर का परिसर, अगर आर का हम परिसर निकालें मेरे प्यारे बच्चों, तो बाद में देखना है, युग्म में बाद वाले उठा के लिख देना, क्या बोलेंगे, परिसर बोलते हैं। तो देखो भैया, बाद में एक दिखा, फिर यहाँ पे दो दिखा, फिर यहाँ पे तीन दिखा, फिर यहाँ पे चार दिखा, यहाँ पे छः दिखा, फिर आगे दो, दो तो लिखा है, फिर चार, चार भी लिखा है, ये छः, छः भी लिखा है, तीन, तीन भी लिखा है, फिर छः, छः फिर लिखा है, मतलब पहले लिख चुके हैं। सेम टू सेम को एक बार लिखना है, सेम टू सेम को एक बार लिखना है। ये चार, चार लिखा है ना, ये वाला नहीं लिखेंगे, छः लिखा है नहीं लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेकेंड वाला पार्ट ये है, और थर्ड वाला पार्ट ये है, और फर्स्ट वाला पार्ट ये है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि तीन ही पार्ट हमसे मांगे गए यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर पाँच कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को लगवाएंगे। तो इस क्लास में हमने क्या किया, एक से लेके पाँच तक प्रश्न करवाए। सबसे पहले आपको टाइप बताया, कैलकुलेशन का टाइप बताया, फिर उसके बाद बेसिक पढ़ाया, प्रश्नावली 2.2 का बेसिक पढ़ाया, उसके बाद ये जो प्रश्न दिख रहे हैं इनको लगवाया। तो यहाँ पे तीन काम किए गए, टाइप बताया, कैलकुलेशन का बेसिक पढ़ाया, बेसिक के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। तो लाइक कर दो भाई, इतना कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।